नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। डबरा के चिनोर रोड स्थित कंबाइन मशीन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना को अंजाम देने के बाद कंबाइन मशीन का चालक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में यातायात विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा ही मामला चिनोर रोड स्थित गैस एजेंसी के पास का है। जी हां, जहां कंबाइन मशीन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में चंदा सिंह नाम के बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई जबकि राजकुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि कंबाइन मशीन और बाइक में भिड़त होने के बाद कंबाइन मशीन का चालक बाइक को आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना को अंजाम देने के बाद कंबाइन मशीन का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस सारा मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई कर रही है। सुबह मॉर्निंग की ये घटना है, 8 बजे की घटना है। कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक जो 60 साल की उम्र है जिनका नाम चंदन सिंह है वो एक्सपायर हुए हैं और एक बच्चा है जो 17 साल की उम्र का है जिसका नाम राजकुमार, पिताजी का नाम अमित और जाति रावत, निवासी शिलोरी के रहने वाले हैं। और इसको थोड़ी मामूली चोट है, अभी एक्सरे कराया है, देखते हैं इसमें क्या नाम है। उसमें एक बाइक से सवार थे जिसमें एक मृतक हुआ है और एक इंजर्ड है। वो बाइक से सवार थे, एक कंबाइन गाड़ी बताई जा रही है, कंबाइन उससे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें चंदन सिंह इनकी घटनास्थल पर ही बताया मृत्यु हो गई है और राजकुमार उसमें घायल हुआ है जिसके सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देश में होने वाले सड़क हादसों को लेकर हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश किया है। इस बिल में यातायात नियमों के काफी सख्ती की गई है जिससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिसमें 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। डबरा से अजय गौर की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।